अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ऑन। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान के बहुत ही खूबसूरत शहर लाहौर में। तो लाहौर के अंदर एक ऐसा गांव बनाया गया है जिसको लाहौर ऑर्गेनिक विलेज का नाम दिया गया है। तो आइए चल कर देखते हैं कि इसको लाहौर ऑर्गेनिक विलेज क्यों कहते हैं, इसके अंदर मतलब गाँव वाली फीलिंग्स और वाइब्स आती हैं। चलो चलते हैं देख। तो सायदा दरख्तों के नीचे जो है ना, ये लकड़ी के एक टेबल, दो बेंच ये आप देख सकते हैं, ये मज़ीद दो और पड़े हैं, एक टेबल और दो बेंच, साथ एक स्टेज बना हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, एक बोर्ड फिक्स किया हुआ है, हनी बी फार्मिंग। यहाँ पर मतलब है शहद का जो है ना वो फार्मिंग की जाती है। ये आप रूम चेक कर सकते हैं, इन्होंने रूम क्रिएट किए हुए हैं। ये दूर से लग रहा होगा कि ये कच्चे हैं, लेकिन ये मतलब है पक्के कमरे हैं। उनके ऊपर ऐसा कोई रंग किया हुआ है जिससे ये फीलिंग ऐसा नज़र आता है कि ये जो है ना कच्चे कमरे हैं। लेकिन साथ वाली जो है ना, साथ ये चक्की पड़ी है, ये बड़ोला ये है। इधर उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है देसी कोल्लू, मतलब आप चेक कर सकते हैं बत्तखों के बच्चे। और वहाँ ये एक अंडा भी पड़ा दिखाई दे रहा है। बाकी ऊपर से तो ये कारा नज़र आ रहा है, लेकिन ये अंदर से जो है ना पक्की सीमेंट वाली ईंटें हैं, पक्की जैसी। ये आप पार्किंग चेक कर सकते हैं। साथ उन्होंने ये है ना फार्म क्रिएट किया हुआ है, फार्म बनाया हुआ है छोटा सा बकरों का। तो ये आपको बकरे नज़र आ रहे होंगे। जो रेस्टोरेंट है ना साथ, तो वहाँ पर जो है लोग आते हैं तो गोश्त खाने के लिए, साफ ज़ाहिर है जो गोश्त होता है वो यहीं बकरों को ज़िबा करके पकाया जाता है। यहाँ पर बन रहा है गुड़। गोड़ तैयार करने का प्रोसेस जो होता है, मोस्टली लोगों को पता होगा कि कैसे तैयार किया जाता है, कैसे गन्ने की जो है ना रस निकाला जाता है, फिर उसको गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद उसको ठंडा किया जाता है, और फिर जो है ना छोटी छोटी गुड़ की पिनियाँ बनाई जाती हैं। तो ये प्रोसेस जो है ना मोस्टली लोग जानते होंगे, तो इसको ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है जी। तो एक बोर्ड पर मेरी नज़र पड़ी है, तो उस पर लिखा हुआ है प्लांट्स ऑफ द कुरान, कुरान के पौधे, जिनका मतलब जिन पौधों का जिक्र कुरान में किया गया। तो यहाँ पर शायद ये कोई हो सकता है अंजीर, जैतून का जिक्र मोस्टली जो है ना कुरान में आया है, तो उन पौधे लगाए हुए हैं, इनका कुरान में जिक्र आया है इस बोर्ड में। रेस्टोरेंट की बैक साइड पर खड़ा हूँ, तो उसके पीछे ये जो है ना उन्होंने शेड बनाया हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे देसी या जो भी असील मुर्गों का आप चेक करें। ये रेस्टोरेंट में जो लोग चिकन वगैरह जो भी गोश्त वगैरह बनता है, तो उनके लिए ये मुर्गे इस्तेमाल होते हैं, तो उनके लिए ये शेड हो गया। बहुत ही खूबसूरत शेड, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन। तो बाकी ये उन्होंने एक गाड़ी रखी हुई है, जो लोग पैदल नहीं चल सकते तो इस गाड़ी पर बैठकर वो ये पूरा फार्म जो है ना पूरा ये रेस्टोरेंट घूम सकते हैं। जो भी चीज़ें रखी उनके बाहर जो है ना मेंशन किया हुआ है ये क्या चीज़ है। ये कुम्हार मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो ये उनका बनाए हुए बर्तन, मिट्टी के बर्तन, जग, मिट्टी के जो भी चीज़ें हैं यहाँ बना कर उन्होंने रखी हुई हैं नीचे इस शेड के नीचे। जी आज हमने आपको लाहौर ऑर्गेनिक विलेज का टूर करवाया। उम्मीद है ये आपको टूर पसंद आया होगा। तो बाकी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।